दोस्तों आज मेरे पास 100 इंडियन करेंसी है। ये 100 इंडियन करेंसी के नोट से हम आज देखेंगे कि पाकिस्तान में आप कितना फ्रूट खरीद सकते हैं। छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बताएंगे कि 100 इंडियन करेंसी के नोट से कितना फ्रूट आ सकता है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमने एक मनी एक्सचेंज से पाकिस्तानी करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कराना है। यहाँ आपको ये बता दें कि हमने पाकिस्तानी 220 रुपए दिए जिस पर हमें एक्सचेंज से 100 इंडियन रुपीस मिल चुके हैं। अब फ्रूट खरीदते हैं। दोस्तों पाकिस्तान का फ्रूट दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। यहाँ का फ्रूट ना सिर्फ जायके में बेमिसाल है बल्कि नहायत ही कम कीमत भी है। पाकिस्तानी आम दुनिया के हर कोने में बेहद पसंद किया जाता है। जहाँ दुनिया के और मुल्कों में फ्रूट बेहद महंगा है वहीं पाकिस्तान में यह बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल जाता है। अब आप खुद देखकर हैरान होंगे कि 100 इंडियन करेंसी में हम कितना ज़्यादा फ्रूट ले सकते हैं।
दोस्तों ये हमारे पास फ्रूट आ गया है। 4 मुख्तलिफ फ्रूट हमने ख़रीदे हैं जो कि लगभग 100 इंडियन रुपीस के बनते हैं। एप्पल 1 kg और पीच भी 1 kg और बनाना और ग्रेप्स भी लिए हैं। आप ख़ुद देख लीजिए कि 100 इंडियन रुपीस में हमें ये कितना सारा फ्रूट मिल गया है।